अलैकम एंड टुडे वे गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द टाइप्स यानी कि जो क्रिएटिव राइटिंग के एक्साम हैं या जो जॉनरस हैं उसके बारे में और बिजनेस राइटिंग की जो मुख्तलिफ टाइप्स uh, uh, हैं उसके बारे में हम बात करेंगे तो मेन uh, जो दो क्रिएटिव uh, राइटिंग का अगर हम पहले उसके साथ शुरू करें तो जो चीज़ें हम देखते हैं वो फिक्शन और नॉन फिक्शन है मगर मेरे ख़्याल में फ़िक्शन और नॉन फिक्शन में भी आगे जा कर काफ़ी ब्रेक डाउन आता है कैन यू थिंक ऑफ अ फ्यू बहुत सारी हैं आप मेरे इम्तहान ले रही हैं <laughs> <laughs> नहीं नहीं थोड़ी सी वैरायटी हो जाएगी वैरायटी हो जाएगी <laughs> हाँ नहीं इसमें बहुत सी एक्साम है और उन एक्साम के अंदर उनकी सब कैटेगरीज बहुत सारी हैं तो इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ हैं जो लोग लिखना चाह रहे हैं उनके लिए अगर हम सिर्फ पोइट्री को ही लें अगर तो पोइट्री में भी इतनी सारी किस्में जैसे कि एक तो सोनेट है जिसमें कि एक एट लाइन्स का स्टेंस है और एक सिक्स लाइन्स का उसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग होती है शेप पोइम्स यानी कि जो किताब है अगर वो जो पोएम है अगर वो दरख्त के बारे में है तो उसकी लाइंस इतनी छोटी बड़ी होंगी कि जब वो लिखी जाएगी टाइप होगी तो वो दरख्त का शेप बन रहा होगा या रिवर के बारे में है तो उसका शेप बन रहा होगा इसी तरह और भी पोइट्री की बहुत सी अकसाम है और इन सब चीजों की हाँ, पोइट्री में अगर देखें देखेंट आ जाता है फ्री हाँ, वर्स आ जाता है ब्लैंक वर्स आ जाता है तो मतलब वो और और आजकल आज जिंगल्स ये सारी चीजें और अब तो पोइट्री का बड़ा डिमांड है और वो हम पहले देखा करते थे कि पोइट्री जो है ना वो एक आ, आ, बड़े ट्रेडिशनल तरीके से लिखा जाता था और उसका एक किताबचा निकलता था या किताब बनती थी या ज्यादा ज़्यादा आपको लंबे लंबे पोइट्री के खत खतों खताबत में इस तरह मिलते थे या किसी डाइजेस्ट वगैरह में या मैगजीन्स में छपते थे मगर अब तो आपको व्हाट्सएप बहुत होती है पोइट्री आपको एस एम एस एस पे मिलते हैं पोइट्री की तो काफ़ी एक डिमांड हो गई है बिल्कुल ऐसे आ, बहुत ज़्यादा और अब ग्रीटिंग कार्ड्स जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं जिसकी वजह से अब हम लिमरिक्स की तरफ दोबारा जा रहे हैं जिंगल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही हैं तो पोइट्री जो है वो अब एक ख़ास प्रोफेशनल ड्रॉनर की जगह एक बड़ा मेन स्ट्रीम किस्म की उसकी एक डिमांड होती चली जा रही है फिक्शन में अगर हम जाएं तो ऑब्वियसली नॉवेल्स अभी आ जाते हैं तो एनी दैट्स इमेजिनरी नॉवल्स हैं आपके पास नोवेला है हाँ. ड्रामा है आ, ये हाँ. सारे जो है फिक्शन का हिस्सा है नॉन फिक्शन यूजली लोग समझते हैं कि बड़ा हाँ. बोरिंग सा सब्जेक्ट है और यू you नो know, बड़े फैक्चुअल किस्म की चीज है मगर अगर, अगर बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी ऑटोबायग्राफी मेमोआर हाँ. आप बात कर रही थी किसी फॉर्म का आई थिंक का कह रही थी आप जी ये क्योंकि हम लोग जैसे देखते हैं ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्लाइंट्स जो डिमांड करते हैं चीजें उसमें कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हम वैसे अगर लिस्ट बनाएं सोच के कि कौन कौन से जोहराज है उसमें शायद ना आए लेकिन जैसे कि किसी ने अपना विकी के लिए पेज लिखवाना लिख है उसकी रिक्वेस्ट आई हुई है कि मैं अपनी इन्फॉमे दूंगा और आप मेरे बारे में विकी पेज का कॉन्टेंट डिवेलप कर दें इसी तरह एक शख्स का उन्होंने रिक्वेस्ट की हुई थी उनकी बेगम की वफात हो गई है और उसके लिए वो यूलोजी लिखवाना चाह रहे थे सो दीज़ आर ऑल इंटरेस्टिंग थिंग्स जो कि पहले शायद ना होती हों या होती हूँ तो लोग ख़ुद लिखते हों Like in ab, liye, wo, they are reaching out and looking for people who can do this for them, which is good news for all of us who want to cash in on cash that market. On but and also, I think the whole big genre of journalism hmm. is very it's growing. Pakistan hmm. mein media jo hai, wo yeah. Yeah. Ja I think the yeah. importance of media jo hai, uh, wo zyada relevant So, uh, ja yeah. jo journalistic writing hai, articles press releases op-eds letters to yeah. the editors likh rahe. ये सारा क्रिएटिव राइटिंग के अंदर हाँ, जो है ये इट इट बिकम्स पार्ट ऑफ इज मीडिया और ऑनलाइन मीडिया सिटीजन जर्नलिज्म अपनी एक फील्ड अब आ गई है तो उसमें जिसमें आप अपना पिक्चर्स लें और अपना छोटा सा उस पर राइटअप कोई बना के एंड यू कैन यू नो शेयर दैट ऑनलाइन तो बिजनेस राइटिंग जो है जो इस कोर्स uh, का जो दूसरा हिस्सा है उसमें हम इंस्ट्रक्शनल बिजनेस राइटिंग करें यानी कि अगर हाँ, हम इंस्ट्रक्शंस देना चाह रहे हैं मैनुअल्स बन रहे हैं या इस तरह की चीज़ें हैं हाँ, या अगर हम जो प्रोफेशनल रॉइटिंग uh, हाँ। कहते हैं जो ई मेल्स हैं या इस तरह के जो कम्यूनिकेशन हाँ। वाली चीज़ें हैं प्रजेंटेशन है, हाँ। uh, है इस तरह की चीज़ें तो वो बिजनेस uh, राइटिंग के कौन से कुछ टाइप्स और होंगे जो देखिए बिज़नेस राइटिंग का ये है कि अगर आपने अपना कंटेंट डेवलप आप बड़ा अच्छा कर सकते हैं यू आर अ ग्रेट क्रिएटिव राइटर आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं लेकिन एंड पे यू हैव टू सेल द प्रोडक्ट एंड पे यू हैव टू डील विद द क्लाइंट तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप कि ई मेल कम्यूनिकेशन पावरफुल हो आ, किसी को ओफेंड ना कर रही हो तो उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे उसके अलावा रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है अच्छी सम ऑफ दिस इज़ नॉट एज़ एक्साइटिंग एज द थिंग्स आई जस्ट मैंशन फिक्शन वगैरह थोड़ी सी डल चीज़ है चीज़ें लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जब आपने अपना फिक्शन किसी तक पहुँचाना है तो उसके लिए आपको ये सारे आपने रेज्यूमे बनाना है कवर लेटर बनाना है अपना पोर्टफोलियो बनाना है क्योंकि अब मार्केट में जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो रही हैं कॉम्पिटिशन भी उतनी ज़्यादा हो रही है तो यू यू हैव इफ वांट टू स्टैंड आउट हो सिर्फ यूजफुल ना हो तो आप अपने काम का को कोई पोर्टफोलियो बनाना पड़े तो ये सारे स्किल्स हम इसमें सिखाएंगे अरे आप रेजुमे की जो बात कर रहे हो ना आई थिंक कि रेजुमे को भी बड़ा क्रिएटिव होना पड़ा बिल्कुल अब तो पूरे पूरे जो ग्राफिक डिजाइनर है उनके जो रेजुमेज होते हैं दे आर पीस ऑफ आर्ट इन सेंस

ये जो मुख्तलि किस्म की क्रिएटिव राइटिंग और बिजनेस राइटिंग है उसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं हम कोशिश की करें कम्प्लीट पैकेज इट मे बी एन इंट्रोडक्शन टू क्रिएटिव राइटिंग लेकिन ये कि वो आपको हर उसके एस्पेक्ट का जो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो आप रास्ते ले सकते हैं और आप कैसे अपने कस्टमर को क्लाइंट को रीच आउट कर सकते हैं अपने ऑडियंस को रीच आउट कर सकते हैं वी गोइंग टू गिव यू अ कंप्लीट पैकेज

हम थोड़े से आपको इस पूरे कोर्स में टिप्स एंड ट्रिक्स भी देंगे फिर अब आपके ऊपर है कि उसको आप कैसे इस्तेमाल करते हैं और आगे कैसे लेकर जाते हैं हमें ये उम्मीद है कि आप लोगों को राइटिंग तो आती होगी मगर हमारी कोशिश ये है कि हम आपको बताएं कि इसको हमने आपको क्रिएटिवली कैसे राइट करना है और बेहतर कैसे और आप कर सकते हैं ताकि आप अपने लिए एक आमदनी जो है इससे कमा सकें क्रिएटिव राइटिंग से एंड ऑल्सो मे बी पीपल डोंट रियलाइज एट दिस पॉइंट वट दे आर इंटरेस्टेड इन हो सकता है जब आप उनको बताएंगी दिखाएंगी चीज़ें टैम्पलेट्स जैसे आपने कहा तो फिर वो सोचें हाँ ये दिस इज एक्साइटिंग दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू डू सो देर में बी इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ एंड वी ट्राई टू टॉक अबाउट टाइप्स इंड जान विच आर इन डिमांड यानी कि जिनकी जॉब्स या फ्री लांसिंग में डिमांड है या ऑन्टरप्रीनोर्स के लिए डिमांड है तो so, हमने कोशिश की है कि जो सेशन uh, है उसमें हम उन चीज़ों के बारे में बात करें